पंचायत भवन परिसर कंपनी बाग मुरादाबाद में आयोजित 2 दिवसीय उद्यम समागम एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट धातु शिल्प प्रदर्शनी का 26 सितंबर को प्रातः लगभग 11 बजे विधिवत उद्घाटन किया गया। महापौर विनोद अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता और CDO मुरादाबाद मृदुल चौधरी ने तालियों की जोरदार आवाजों के बीच फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये समागम एवं प्रदर्शनी 27 सितंबर शुक्रवार को भी जारी रहेगी। महापौर, नगर विधायक और CDO ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार के साथ सभी स्टालों का अवलोकन एवं स्टाल लगाने वालों का उत्साहवर्धन भी किया। दोपहर बाद जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के प्रभारी डॉक्टर RC शर्मा, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सतीश गुप्ता, SK दीक्षित, AD हैंडीक्राफ्ट इलियास खां, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुरादाबाद डिवीज़न के सेक्रेटरी विनीत गुप्ता, विरास आर्टिजन सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद गानिमिया, हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष नोमान मंसूरी, जनरल सेक्रेटरी मनोज शर्मा, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सदस्य हाजी आजम अंसारी, दस्तकार नेता फहीम मंसूरी, शाहनवाज अहमद खां, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के स्थानीय कार्यालय से नवीन गौड़ एवं प्रवीण रावत, सहायक निदेशक हस्तशिल्प के कार्यालय से मोहम्मद सलीम, जिला उद्योग केंद्र से पवन कुमार सिंह, अवध युवा कल्याण ग्राम उद्योग संस्थान के चौधरी अनिल कुमार सिंह, भाजपा कार्यकर्ता शुजात अली, मोहम्मद अयूब सैफी, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हस्तशिल्पी दिलशाद हुसैन, मुबीन अली, राशिद अली आदि भी मौजूद रहे। महापौर विनोद अग्रवाल ने प्रदर्शनी एवं उद्यम समागम का उद्घाटन करने के बाद सिटी चैनल 24 से बातचीत करते हुए नागरिकों से इस प्रदर्शनी में आने और दस्तकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल पूर्व जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि उद्योगों को हमें बढ़ावा देना है। पीछे कहा गया कि भाई ये जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो सारे एक तरीके से बीमार हालत में पहुंच चुके थे। तो हम लोगों ने सरकार को एक राय दी कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पीतल का उद्योग होता है। अमरोहा है, वहाँ पर लकड़ी का काम होता है, ढोलक बनती हैं, जीन्स बनती हैं, ये जो कपड़े हैं बहुत बड़ा काम होता है। संभल है, यहाँ पर सिंह का काम होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में ये तय किया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, एक जनपद एक उत्पाद, एक नई उड़ान और नई पहचान, ये जो आज हमने उसकी प्रदर्शनी लगाई है। छोटे छोटे हमारे जो आर्टिजन हैं, कारीगर हैं, कारखानेदार हैं, उन लोगों को इसमें आज अपना प्रोडक्ट उत्पाद जो है शो करने का, दिखाने के लिए आज अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे जो DIC हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर हमारे अनुज जी, इनके माध्यम से, और इनको मैं बधाई दूंगा कि बहुत सुंदर तरीके से बहुत कम समय में अनुज जी ने इस काम को कराया है। और पहली बार, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, पहली बार मुरादाबाद में नए प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिले हैं। इसमें खादी भी है, कलर वाला काम भी है, ऊंचाई का काम है, ढलाई के काम है, सारे प्रकार के जो आज आइटम इसमें दिखाए गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि मुरादाबाद में अब जो हमारे आर्टिजन हैं उनको एक नई राह मिली है, और कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ दी जा रही हैं और जो लोन दिया जा रहा है और जिस तरीके की सब्सिडी दी जा रही है, उसके लिए इन सब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुरादाबाद तरक्की कर रहा है। मेयर साहब, ये मेला, ये प्रदर्शनी दूसरे दिन यानी 27 तारीख को भी जारी रहेगी, क्या अपील करना चाहेंगे मुरादाबाद वासियों से? मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जाने कि हमारे मुरादाबाद में आखिर क्या बनता है, हमारे यहाँ के लोग किस चीज में
अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये अच्छी प्रदर्शनी है, सुंदर प्रदर्शनी है। इसके लिए जो हमारे यहाँ के विभाग है DIC, उनको बधाई, उनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को, समस्त लोगों को बधाई कि इस काम को और आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में नए रोजगार के अवसर पैदा। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने इस अवसर पर कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ये माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो नए उद्यमी हैं, आर्टिजन्स हैं, उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई गई है। नए उद्यमियों को बैंक से लोन आसानी से मिल सके, आर्टिजन्स को ट्रेनिंग मिल सके, जो उनके नए उद्योग हैं उनका प्रमोशन हो सके, उसके लिए तरह तरह से ये योजनाएं लागू की गई हैं। प्रमोशन के लिए जो लोग, जैसे यहाँ पे मैंने देखा CDO साहब ने भी निरीक्षण किया कि जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उन लोगों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, उन लोगों को उनके काम को प्रमोशन मिल सके, कहीं अपना स्टॉल लगाएं तो उसके लिए भी वो सुविधा, उसके लिए भी शुल्क सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ODOP का मेन उद्देश्य नए उद्यमियों को, आर्टिजन्स को लाभ पहुँचाने का। मैं मुरादाबाद महानगर के सभी नागरिकों से ये अपील करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी में आएं और अपने ही शहर के जो आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, जो लोग जिस मेहनत के साथ उन लोगों ने काम किया है, उनके बनाए प्रोडक्ट्स को देखें, उससे उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे शहर को भी इससे नई दिशा मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद मृदुल चौधरी ने इस अवसर पर कहा, मैं ODOP जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें जनपद जो हमारे स्टेट के सभी जनपद हैं उनकी जो विशेष शैली है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको आगे हम ये उद्यम समागम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि पीतल उद्योग मुरादाबाद की शान है, मुरादाबाद जाना जाता है पीतल उद्योग से। तो ये जो हमारा उद्यम चल रहा है उसमें हम चाहते हैं कि सभी आर्टिसंस, सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स हों, आर्टिसंस हों, प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हों, हमारे जो बैंकर्स हों, वो सब आएँ और जो भी समस्याएं हैं उसको डिस्कस करें और उसका निराकरण करें। उसके लिए एक ही हम फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं और उसमें मेरी आशा है कि हम इन दो दिन की जो कार्यशाला हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसंस और एक्सपोर्टर्स को हम लाभान्वित कर पाएँ। इस प्रदर्शनी में मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया है, जहां अल्मुनियम की सिल्ली का लाइव डेमो किया जा रहा है। मुरादाबाद मेटल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं युवा दस्तकार नेता नुमान मंसूरी ने बताया कि उनकी कंपनी मार्केट रेट से 5 रुपये किलोग्राम कम पर सिल्ली देती है। जो लोग सस्ती दर पर सिल्ली खरीदना चाहते हैं वो स्टॉल पर आकर या प्रिंस रोड पर अंसार कॉलेज के सामने कंपनी के दफ्तर पर आकर आर्डर बुक करवा सकते हैं। नुमान मंसूरी ने इस अवसर पर बताया, देखिए ये एक मुख्यमंत्री साहब की ODOP स्कीम महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने चलाई है, क्योंकि अभी हैंडीक्राफ्ट को लेकर ODOP ही स्कीम है जो मुरादाबाद के पीतल के दस्तकारों का या मेटल में जो चुना है उन्होंने UP में इसको, तो इससे ही उस स्कीम से भला होगा उन आर्टिजन्स का, मैनुफैक्चरर्स का, एक्सपोर्टर का। तो इसी को लेके ये आज चौथा पांचवा इवेंट है। मुख्यमंत्री जी खुद 2 बार आ चुके हैं और उससे पहले कई प्रमुख सचिव साहब भी आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द इसको लेकर अपना अमली जामा पहनाया जाएगा और आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें आर्टिजन्स के लिए लोन की स्कीम भी है, नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, ग्रानी नेट है भी है और काफ़ी सारे बैंक से लोन सस्ते ऋण पे भी मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अभी उस चीज़ों को समझा जा रहा है। यहाँ आज जो पूरे मंडल के लोग आए हैं तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं। आज यहाँ प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, नगर और महापौर विनोद अग्रवाल जी और CDO साहब मृदुल चौधरी साहब IAS भी आए और उन्होंने यहाँ सब स्टॉलों का भ्रमण किया, लोगों से मिले, उनके बारे में उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या आपको बैंक से ऋण मिला या नहीं मिला, क्या इस ODOP स्कीम में अब तक क्या आपको सिटी में अंसार इंटर कॉलेज पे वहाँ संपर्क कर लें या संबल रोड पे फरीदपुर में है जहाँ ये फैक्ट्री है, जहाँ प्लांट लगा हुआ है, वहाँ आ जाएं। और हमेशा नंबर हैं लोगों के पास सबके, जहाँ से जिला उद्योग केंद्र से राफ्ता कायम कर लें
जैसे भी हो एडी ऑफिस बरेली से कर लें। और हमारी जो सिल्ली है वो एक तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है और प्राइस बेस्ट प्राइस है। और हमारा स्टॉल लगाने का मकसद यहाँ पर यही है आज के जो शहर के लोग जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन तक हमारी जानकारी पहुँच सके। इस प्रदर्शनी की शुरुआत होने के बाद पंचायत भवन के सभागार में एक गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में हस्तशिल्पियों ने भी भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ अनुज कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 100 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। 27 सितंबर शुक्रवार को उद्यम समागम में 100 से अधिक लोगों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। डीसी साहब ने बताया कि इस 2 दिवसीय उद्यम समागम एवं प्रदर्शनी का समापन 27 सितंबर की शाम को 4:30 बजे मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा किया जाएगा। डीसी इंडस्ट्रीज ने बताया ये 2 दिवसीय उद्यम समागम और ओडीओपी प्रदर्शनी का ये आयोजन किया जा रहा है जो 26 और 27 सितंबर तक चलेगा हमारा। इसके अंतर्गत लगभग 100 से अधिक स्टॉल्स हमारे द्वारा यहाँ लगवाए गए हैं जिसमें न केवल हमारे जनपद मुरादाबाद के बल्कि अन्य जनपदों से भी प्रतिभाग किया गया है। जैसे हमारे बरेली से जरी जरदोजी, बरेली का केन बैम्बू, रामपुर का पैचवर्क, इन सभी को भी हमने हमारी ये आज उद्घाटन भर हुआ है। अभी हमारे पास आज शाम का भी समय है, कल का भी समय है, पुनः हम उनसे संपर्क करेंगे रियातों से भी क्योंकि हमारे पास अच्छी संख्या में हस्तशिल्पी आए हैं इस प्रदर्शनी में भी हमारे कार्यक्रम में भी। निर्यातकों का जो अभी इसमें पार्टिसिपेशन है वो उतना नहीं है जितना हमने अपेक्षित किया था। कुछ जानकारी मिली है कि शायद दिल्ली में इनकी एक कोई मीटिंग है उसमें शायद कुछ हमारे निर्यातक बंधु गए हुए हैं, मैं उनके पुनः हम लोग अभी संपर्क करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा ये कार्यक्रम अभी आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। इसमें हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे, MBA जो हमारे बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सेशंस रखा हुआ है जिससे कि वह अपना इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद या MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद यदि किसी उद्योग लगाने की ओर अपना अग्रसर होना चाहते हैं तो विभाग किस प्रकार से उनकी मदद कर सकता है इस संबंध में उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उनको एक मोटिवेशनल स्पीच भी मोटिवेटर्स के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कल हमारा ऋण वितरण का कार्यक्रम भी है जिसमें हम लगभग 100 लाभार्थियों को ऋण वितरण कराएंगे जिसमें हमारे ऋण वितरण के लाभार्थियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अधिकारी भी रहेंगे।